नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। उत्तराखंड का बागेश्वर आपदा और भूस्खलन की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी जिले में खड़ियां खनन के लिए सबसे अधिक खाने स्वीकृत है और इन खानों में जब से मशीनों से खनन शुरू हुआ है तब से लोगों के घर खतरे की जद में आ गए हैं, जिसके चलते अब बड़े पैमाने पर खनन से बागेश्वर जिले के कांडा इलाके में भी जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं, जिसके संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है। जानकारी के लिए बता दें, हाल में एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि बागेश्वर में धड़ल्ले से हो रहे खनन के चलते कांडा में जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं। यहां घरों, मंदिरों और सड़कों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिसके बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी प्रमुख जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने नोटिस जारी किया, जिस पर पीठ ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय CPCD के साथ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बागेश्वर के DM को नोटिस जारी कर वास्तविक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसके लिए पक्षकारों को एक सप्ताह का वक्त दिया गया है। तो वहीं जनता दरबार में लोगों की शिकायत के बाद DM ने एक टीम को कांडा क्षेत्र में निरीक्षण को भेजा, जहाँ कांडा कन्याल गाँव में निरीक्षण के दौरान टीम ने भूधसाव देखा, साथ ही उन्हें कई घरों में दरारें भी मिली। यही नहीं, खनन के चलते 1000 साल पुराना कालिका मंदिर भी खतरे में है। मंदिर परिसर में दरारें आ गई हैं, जिसके कारण अब कांडा तहसील के कांडा कन्याल और दुग नाकुरी तहसील के पप्पो गाँव में 20 परिवार घर छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि जिले में धड़ल्ले से हो रहे खनन के चलते कांडा तहसील क्षेत्र के गांवों में लोगों के घरों, मंदिरों, यहां तक कि सड़कों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। हालात ये हैं कि दशकों से क्षेत्र में रह रहे लोगों को अपने घरों को खोने का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। नतीजतन इलाके में बेतहाशा खनन जारी है, जिस कारण आज पूरा इलाका खतरे में पड़ गया है। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।